छत्तीसगढ़ सरकार ने इस वर्ष 1 नवंबर से ही धान खरीदी का भी ऐलान किया है, जिसे लेकर अब युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है। इस वर्ष बिलासपुर जिले में 1,10,000 किसान अपना धान बेचेंगे। वहीं संभाग की बात की जाए तो इस वर्ष 4,36,922 किसानों का रजिस्ट्रेशन किया गया। तैयारियों का जायजा लेने जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक के CEO श्रीकांत चंद्राकर ने अधिकारियों के साथ मिलकर अलग अलग धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश प्रबंधकों को दिए। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है और इस साल खरीदी का समय सीमा को बढ़ाते हुए 1 नवंबर से 28 फरवरी तक किया गया। वहीं तय समय पर उठाव को सुनिश्चित करने के लिए भी लगातार मीटिंग का दौर चल रहा है। किसानों को टोकन काटने से लेकर खरीदी में रखाव की सुविधा तक की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। राज्योत्सव के साथ ही धान खरीदी का त्यौहार भी छत्तीसगढ़ में शुरू हो गया। बिलासपुर से राकेश खरे की रिपोर्ट। शासन के दिशा निर्देश अनुसार 1 नवंबर से धान उपार्जन का कार्य संपन्न होना है, उसकी संपूर्ण तैयारियां धान उपार्जन केंद्रों में की जा चुकी है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर के अंतर्गत 430 सहकारी समितियां, जिसके अंतर्गत 539 धान उपार्जन केंद्र हैं। सभी उपार्जन केंद्रों को निर्देशित किया गया है कि तैयारियाँ पूर्ण कर लें। और गत वर्ष 1,93,00,000 क्विंटल धान का क्रय किया गया था, जबकि हमको लक्ष्य दिया गया था 2,07,00,000 क्विंटल का। इस वर्ष बारिश की स्थिति बहुत अच्छी है, तो ये लक्ष्य भी बढ़ने की संभावना है। और चूंकि धान अच्छा हुआ है, इसलिए धान भी अच्छे से आ सकते हैं, तो लगभग 2,10,00,000 क्विंटल के आसपास धान संपूर्ण जिले में आ सकता है।